आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो छात्रों, आज का प्रश्न आपका अवकलन से कुछ में दिया गया। आपका वाई बराबर वर्गमूल एक प्लस का टेन एक्स बटे एक माइनस का टेन एक्स, तो हमें डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया गया हमें? वाई बराबर दिया गया है करनी एक प्लस का टेन एक्स बटे एक माइनस का टेन एक्स। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है हमारा? ये होता है टेन एक्स प्लस का वाई का सूत्र। ठीक है, ये होता है हमारा कितना? ये हो जाएगा टेन एक्स धन टेन वाई बटे एक माइनस का टेन एक्स गुणा टेन वाई। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। इसी प्रकार से देखो, यदि हम टेन आपका दिया हुआ हमारा टेन पैंतालीस यानी कि टेन पाई बटे चार का मान कितना हो जाएगा हमारा? एक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो दिया गया इसको हम रखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? ये बनेगा हमारा वाई बराबर वर्गमूल टेन पैंतालीस प्लस और कितना दिया गया हमारा यहाँ पे टेन एक्स। ठीक है, तो टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, सूत्र के अनुसार देखो इसको एक को हम एक ही रहने देंगे और यहाँ पे क्या हुआ था हमारा टेन एक्स दिया हुआ था। आप देखो टेन एक्स का गुणा एक कर सकते हैं। ठीक है, तो टेन एक्स गुणा एक कर सकते हैं, तो एक का मान एक किसका मान है? पैंतालीस का, तो टेन पैंतालीस। ठीक है, तो पाई बटे चार रखेंगे हम, क्योंकि आंसर जो हमारा आ रहा है पाई बटे चार के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम पाई बटे चार कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये सूत्र बन गया हमारा वाई बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सूत्र टेन। ठीक है, ए बराबर कितना? पाई बटे चार। ठीक है, ए प्लस बी का है। ठीक है, तो ए बराबर पाई बटे चार प्लस एक्स, ये हमारा सूत्र बन गया। अब देखो इसको हम हल करेंगे। ठीक है, हमारे पास इसमें विकल्प दिए गए हैं। अब हम देखो जानते हैं वर्गमूल एक्स का आपका अवकलन क्या होता है। ठीक है, वर्गमूल एक्स का होता है एक बटे रूट दो एक्स। ठीक है, तो इस तरह से इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा वाई बराबर। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये कितना एक बटे दो वर्गमूल। ठीक है, ये करेंगे तो ये आ जाएगा टेन पाई बटे चार प्लस एक्स। ठीक है, ये हमने क्या किया यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन अवकलन करने पर। ठीक है, तो वाई का क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाएगा। और अभी देखो दोबारा होगा इसका, अभी तो हमने केवल किसका हुआ? वर्गमूल का हुआ। इसका दोबारा होगा तो हो जाएगा टेन पाई बटे चार प्लस का एक्स। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा? तो हो जाएगा एक बटे दो करनी टेन पाई बटे चार प्लस का एक्स। ठीक है, इसका करेंगे तो देखो हम जानते हैं टेन एक्स का आकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई बटे चार प्लस का एक्स। और इसके देखो अंदर दोबारा होगा तो इसका कितना होगा? ये आप अचर पद इसका जीरो हो जाएगा और एक्स का होगा एक, क्योंकि किसी भी चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन कितना होता है हमारा? एक होता है। ठीक है, आप देखो यदि हम इसमें मान रख देंगे, ठीक है, टेन पैंतालीस का, तो फिर से देखो क्या हो जाएगा? वही आ जाएगा मान जितना मैं वाई बराबर दिया हुआ था, लेकिन इस बार क्या किया इसको हम नीचे ले गए हैं, तो ये अब माइनस वाला जो पद है वो ऊपर आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे इस तरह से दिया गया, ठीक है, तो इसको देखो वाई का मान ये था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो ये मान निकल आएगा हमारा डी वाई बटे डी एक्स, ये आपका एक बटे दो रहेगा। ठीक है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा? प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में। ठीक है, तो वर्गमूल टेन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टेन, और ये आपका यहाँ पे इसको सही कर लेंगे थोड़ा सा, टेन एक माइनस का टेन एक्स, एक माइनस का टेन एक्स बटे एक प्लस का टेन एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो हमारा प्लस में था, ठीक है, ऊपर वाला प्लस में था, नीचे माइनस में था, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जब इसका अवकलन किया था तो ये नीचे पहुँच गया था इसके। ठीक है, ये नीचे पहुँच गया था, तो ये प्लस वाला अब यहाँ पे इसको खोलेंगे अगर, तो प्लस वाला प्लस माइनस वाला नीचे आएगा, जो ऊपर पहुँच जाएगा, तो क्या एक माइनस का टेन एक्स और एक प्लस का टेन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और बाकी का जैसा है हमारा वैसा ही रहेगा, सेक स्क्वायर पाई बटे चार प्लस का एक्स। हमने इसको इसी में परिवर्तित किया क्योंकि आपके आंसर भी इसी रूप में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ। अब देखेंगे कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। ठीक है, तो विकल्प में क्या होगा हमारा देखेंगे, हमारा ये विकल्प हमारा आपको तीसरा जो विकल्प दिया गया है, सॉरी आपका पहला विकल्प, क्योंकि इसमें क्या है स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो स्क्वायर इसमें है
और साथ में 1/2 आगे चाहिए, ठीक है, और 1 - 10x, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दिए गए आपके क्वेश्चन का पहला विकल्प हमारा एकदम सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूरा हुआ, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।